कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या का मामला, पीड़ित पत्नी से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, मुआवजा सरकारी नौकरी की मांग मंजूर कर ली गई है, वहीं मीनाक्षी गुप्ता को केडीए में नौकरी दी गई है, मीनाक्षी गुप्ता को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी का पद दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर गोरखपुर में हुए व्यापारी मनीष गुप्ता के हत्या मामले में आज पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुलाकात की है। मुआवजा सरकारी नौकरी की मांग को पीड़ित परिवार ने मंजूर कर लिया है, जिसके बाद मीनाक्षी गुप्ता को केडीए में नौकरी दी गई है। मीनाक्षी गुप्ता को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर व्यापारी मनीष गुप्ता के हत्या मामले में आज पीड़ित पत्नी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मुआवजा सरकारी नौकरी की मांग को मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि मीनाक्षी गुप्ता को केडीए में सरकारी नौकरी दी जाएगी, जहां पर कानपुर विकास प्राधिकरण में मीनाक्षी गुप्ता को ओएसडी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कानपुर से रिजवान जुड़ चुके हैं। तो रिजवान, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कानपुर के व्यापारी की मौत मामले में आज सियासत काफी तेज दिखाई दी है, जहां एक तरफ सपा सुप्रीमो मिलने पहुंचे थे, वहीं दूसरी तरफ सीएम ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का, जिसमें जिसमें मनीष गुप्ता को पुलिस द्वारा पीट कर हत्या किया गया है, और इस पे डॉक्टरेट रिपोर्ट भी कंफर्म हो गया है कि उनकी पीट कर उनकी हत्या करी गई है जी। और उसपे राजनीति बहुत तेज होने के कारण सारे आज कानपुर शहर के अंदर 5 VIPs रहे, जिसमें से योगी जी रहे, अखिलेश जी रहे, राजा भैया रहे और शिवपाल जी रहे। इसको देख, जब से योगी जी परिवार से मिले तो उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया, वहीं परिवार को आश्वासन दिया कि इनको ओएसडी के कानपुर के डीए ओएसडी के पद पर नौकरी दी जाएगी उनकी वाइफ को। रिजवान, इस पूरे मामले में जो पीड़ित तो परिवार था उसकी कई मांगे थी, उनकी मांग थी कि जो पूरा मामला है उसे कानपुर में ट्रांसफर किया जाए, साथ ही सरकारी नौकरी की जो बात थी उसको भी अब कबूल कर लिया गया है। ऐसे में परिवार की जितनी भी मांगे थी क्या सभी को पूरा कर लिया गया इस बार? जी, योगी जी ने इनकी सभी मांगे पूरी करी और ये भी कहा है कि अगर परिवार कहेगा तो सीबीआई जांच भी कराई जाएगी जी। वही रिजवान, और वहीं जी रिजवान, सीएम से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार का क्या कुछ इस पूरे मामले पर अब बयान सामने आया है? क्या सीएम से मिलने के बाद वो सरकार की जो कार्रवाई है उससे खुश नजर आ रहे हैं, या अभी भी कुछ ऐसी मांगे हैं परिवार की जो पूरी नहीं हुई है? नहीं, सीएम से मिलने के बाद उनकी सारी मांगे पूरी कर ली, जिसमें परिवार खुश है, परिवार में अब कोई मांगे नहीं है जिसको लेकर उनको कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कानपुर से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर व्यापारी मनीष गुप्ता के हत्या मामले में अब पीड़ित परिवार से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी, जिसके बाद पीड़ित परिजनों की सभी मांगों को सीएम ने पूरा कर लिया है, जहां मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को सीएम ने मंजूर कर दिया है। अब मीनाक्षी गुप्ता को केडीए में सरकारी नौकरी दी जाएगी, कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से ओएसडी का पद भी अब मीनाक्षी को सौंपा जाएगा। और इसी के साथ हमारी इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।